हम बीएड स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी। हमारा बैच 2020 है, लेकिन हमारा एडमिशन जो है 2021 में हुआ सर। सर फिर हमारे फरवरी में 20 कॉन्टैक्ट क्लासेस हुए, वो भी ऑनलाइन हो गए, तो वो ऑनलाइन हो गए हमारे क्लासेस। उसके बाद ही जो है हमारे इंटरनल असेसमेंट हुआ, इंटरनल असेसमेंट जो है वो भी हमारा ऑनलाइन ही हुआ। तो सर उसके बाद मई में हमारा जो है डेट शीट आया बीएड एग्ज़ाम का, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का, ऑफलाइन मोड में। सर हम गए, हम बहुत स्टूडेंट्स जा रहे थे, हमारे पैर मतलब घिस गए वहाँ जाते जाते। उनको बोलते कि हमें स्टडी मटेरियल फराहम कीजिए, लेकिन सर स्टडी मटेरियल देने के बजाय वो हमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने को बोल रहे थे, लेकिन स्टडी मटेरियल वहाँ से लेकर हत्ता कि अब आज इस दम तक हमें स्टडी मटेरियल फराहम नहीं किया गया है। डेट शीट में क्या डेट दिया गया है आपके? सर डेट शीट में जो है वो 10 अगस्त से हमारे डेट शीट, हमारा एग्ज़ाम जो है पहला अव्वल पेपर जो है, अव्वल पर्चा जो है हमारा, वो 10 अगस्त को है। सर इनके दरमियान जो फासला है वो सिर्फ एक दिन का है सर। और ये एग्जामिनेशन जो है बीएड का, ये फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर है, दो सेमेस्टर्स मिंगल हुए हैं एक ही जगह पे। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू अस कि हम एक दिन में दो सेमेस्टर्स को कवर करें विदाउट एनी स्टडी मटेरियल? हमारी डिमांड ये है, हम चाहते हैं या तो ये मौखर करें एग्ज़ाम्स, या तो ये जो है पेपर्स के बीच गैप बढ़ाए, सफिशेंट गैप बढ़ाए, या उस नुक्ता नज़र से अगर हम देखेंगे जहाँ से हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए, क्लासेस ऑनलाइन हुए, कॉन्टैक्ट क्लासेस 20, उस नुक्ता नज़र से अगर हम देखेंगे, हालांकि उस टाइम तो कोई कोविड नहीं था, इस टाइम कोविड भी बढ़ रहा है, अगर कोविड के नुक्ता नज़र से देखें और उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए था।